हमने एक ऐसे अनोखे ग्रह की खोज की है जहां कठोर मौसम है, जहां अनजान नजारे हैं और जहां हमेशा कुछ न कुछ अजीब घटता रहता है। यह ब्रह्मांड का सबसे अद्भुत ग्रह है और ये ग्रह है हमारी धरती। हमने इसके रहस्यों को समझना बस शुरू ही किया है। इस धरती ने अपनी कोद में एक रहस्यमय शिकारी को छिपा रखा है। इस दुनिया के नीचे भी एक दुनिया है। वो गाड़ियों को, वृक्षों को और घरों को निगल जाता है, जीते जाते लोगों को भी नहीं बख्शता। ऐसा लग रहा था जैसे धरती जिंदा हो गई, उसने अपना मुंह खोल लिया और खाने लगी। आखिर धरती ऐसा रूप क्यों ले लेती है और अगली बार ऐसा कब और कहां होगा? ये कहीं भी कभी भी बन सकते हैं और कोई भी इनकी चपेट में आ सकता है। सिंक होल्स की दहशत। इस बार सीक्रेट्स ऑफ द अर्थ में अंतरिक्ष से देखने पर धरती के महाद्वीप पत्थर की तरह ठोस नजर आते हैं, लेकिन कभी कभार बिना किसी चेतावनी के जमीन ठह जाती है। फरवरी 2013, फ्लोरिडा का सेटना शहर। स्थानीय नागरिक जेफ बुश अपने पीछे वाले बेडरूम में थे कि अचानक उनके पैरों तले जमीन धंसने लगी। जेफ तेजी से एक गहरे गड्ढे में गिरते हुए तब तक मदद के लिए पुकारते रहे जब तक वो अंधेरे में गुम नहीं हो गए। पूरी तरह से अचंभित पड़ोसी समझ ही नहीं पाए कि क्या हो गया। लगभग 11:15 बजे फायर ब्रिगेड वालों की आवाज आई। मैं बाहर निकला और पता चला कि वहाँ एक सिंक होल है। बताइए आपकी क्या इमरजेंसी है? एक एम्बुलेंस और पुलिस की जरूरत है। एक पूरा का पूरा घर गिर गया है, उसके नीचे कोई फंस गया है। अच्छा, और क्या हुआ घर को? बेडरूम की जमीन अचानक ढह गई और मेरे ब्रदर इन लॉ घर के नीचे फंस गए हैं। इस आपात स्थिति का जायजा लेने सबसे पहले वहाँ पहुँचे शेरिफ के डेप्यूटी डगलस डुवॉल। ऐसा लग रहा था जैसे धरती जिंदा हो गई और उसने अपना मुंह खोल लिया और खाने लगी है। जेफ का बेडरूम एक 30 फुट चौड़े 50 फुट गहरे एक विशाल सिंक होल में धंस रहा था और गहराई बढ़ती जा रही थी। जमीन का एक हिस्सा एक सिलेंडर की तरह तेजी से नीचे जाता है। ढेर सारी मिट्टी एक साथ नीचे जाती है। अब चूंकि किनारों की मिट्टी दीवार की तरह तो है नहीं, तो वो भी तेजी से सिंक होल में गिरने लगती है। आज तक जेफ बुश की बॉडी नहीं मिली। माना जाता है कि वो किसी भूमिगत नदी में बह गई। ये अकेला ऐसा सिंक होल नहीं है। धरती पर ऐसी कई जगह हैं जहां इसका खतरा बना रहता है, लेकिन ये बनते कैसे हैं और क्या यह जानने का कोई तरीका है कि अगली बार ऐसा कहां होगा? दुनिया भर के कुछ और लोगों की तरह जेफ बुश भी इस बात से अनजान थे कि वो एक अंडरग्राउंड गुफा के ऊपर रह रहे हैं। हमारे ग्रह के नीचे एक और छिपी हुई दुनिया है, पानी के रास्तों से जुड़ी हुई गुफाओं का एक महाजाल। दुनिया भर में ऐसी लाखों या हजारों गुफाएं हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, जिनका रिकॉर्ड दर्ज है। जब किसी गुफा की छत की दरारों से मिट्टी सरकती है, तब ऊपर की जमीन ढहकर एक सिंक होल का निर्माण कर सकती है। सतह के नीचे एक सिंक होल को तैयार होने में लाखों करोड़ों साल लग सकते हैं और कितने में चंद सेकंड। लेकिन वो क्या वजह है जिससे ये शक्ति आखिर में सक्रिय होती है? सिंक होल को ट्रिगर करने में सबसे बड़ा हाथ मौसम का है। धरती पर ढेर सारा पानी है और सिंक होल इसलिए बनते हैं क्योंकि पानी, खासकर बारिश का पानी, मिट्टी से नीचे रिसता हुआ ग्राउंड कॉलम को पार कर जाता है। जब बारिश नीचे छिपी लंबी लंबी गुफाओं तक रिसते हुए जाती है, तब ऊपरी मिट्टी और अन्य मलबे की परत कमजोर हो जाती है। यह
नीचे गीली मिट्टी गुफाओं के अंदर किसती रहती है, तब ऊपर रह जाती है जमीन की एक पतली परत और नीचे रह जाता है खोखलापन, जैसे एक बबल। वो सतह की तरफ उठता रहता है और ढेर सारी मिट्टी नीचे गुफा में खिसकती रहती है, और एक वक्त ऐसा आता है जब जमीन का सिर्फ एक पुल सा बचा रह जाता है। और जब इस ब्रिज पर जरूरत से ज्यादा वजन बढ़ जाता है, तब किसी पुरानी छत की तरह ये ढीला पड़ जाता है और ढह जाता है। जेफ बुश को निगलने वाला सिंकहोल भले ही विनाश का रूप धारण करके आया हो, पर उसने घर में बाकी पांच लोगों को बख्श दिया। लेकिन जमीन इतनी असंतुलित हो चुकी थी कि उसके अलावा पास के दो और घरों को भी गिराना पड़ा। उन्होंने दाएं बाएं दो घरों का सर्वे किया और दोनों को गिरा दिया। फिर उन्होंने मेरे घर की भी जांच की और कहा कि ये ठीक है, मुझे यहाँ से निकलने की कोई जरूरत नहीं है। गड्ढे को बंद करने के लिए उसमें चार ट्रक बजरी भरी गई। वहां देखेंगे तो जमीन हल्की सी धंसी हुई नजर आएगी, पर मुझे लगता है उन्होंने उसे पूरी तरह ही भरा था जमीन के बिल्कुल बराबर। तो हो सकता है कि सतह के नीचे अब भी कहीं कोई जगह है जहां मिट्टी धंसती जा रही है, शायद इसीलिए इसके चारों ओर बाड़ा है। इसका मतलब यहां की जमीन मजबूत नहीं है। सेफनर की घटना के 6 महीनों बाद यहां से करीब 100 किलोमीटर दूर सेंट्रल फ्लोरिडा के एक रिजॉर्ट के मेहमानों की नींद अचानक तब टूट गई जब खिड़कियां जोर से खड़खड़ाने लगी। करीब 40 मिनट बाद जब सब बाहर निकल चुके थे, धरती खुली और उनमें से एक बिल्डिंग को निकल गई। ये एक 60 फुट चौड़ा और 15 फुट गहरा सिंकहोल था, पर फ्लोरिडा के इस इलाके में ऐसी क्या बात है कि यहाँ इतने सिंकहोल्स हैं, और पृथ्वी पर ऐसी और कौन सी जगह है? इसका राज छिपा हो सकता है सतह के नीचे की इस गुफा में, जिसका नाम है डेविल्स डेन। 2013 में फ्लोरिडा में दो बार विनाशकारी सिंकहोल ने आतंक मचाया, वो भी 6 महीनों के अंतराल पर। लेकिन स्थानीय नागरिकों के लिए ये कोई हैरानी की बात नहीं थी। जैसे अमेरिका के अन्य इलाकों में हमेशा भूकंप या टॉर्नेडोस का डर बना रहता है, उसी तरह फ्लोरिडा में ऑरलैंडो और टैंपा के बीच की इस सिंकहोल एली में सिंकहोल का खतरा मंडराता रहता है। अमेरिका के किसी भी अन्य हिस्से में फ्लोरिडा जितने सिंकहोल नहीं है। अब तक इस स्टेट में 350 सिंकहोल दर्ज किए जा चुके हैं और शायद हजारों या लाखों और हैं। मायामी और जैक्सनविल के बीच बहुत सारे सिंकहोल हैं। ये कहीं भी कभी भी बन सकते हैं और कोई भी इनकी चपेट में आ सकता है। पर क्यों है फ्लोरिडा में इतने सिंकहोल? अचानक हमला करने वाले इन शिकारियों के कुछ सुराग यहां मिल सकते हैं। सिंकहोल एली के बीचों बीच डेविल्स डेन में फ्लोरिडा के विलिस्टन शहर में 55 फुट चौड़ी ये खाई दरअसल एक प्राचीन सिंकहोल का अवशेष है। ये जेफ के बेडरूम को निकलने वाले सिंकहोल से दुगना चौड़ा है। डेविल्स डेन से ये जानने का अच्छा मौका मिल सकता है कि एक सिंकहोल के भीतर क्या होता है। इसके अंदर की गुफा करीब 200 फुट चौड़ी और 60 फुट गहरी है, और ये 10,000 साल से ज्यादा पुरानी है। एक सिंकहोल के अंदर खड़े होकर उसे देखने का मौका किसी इंसान को बार बार नहीं मिलता। इसके और अन्य सिंकहोल के अस्तित्व का राज छिपा है एक किस्म के बेडरॉक में, जिसे भूगोल वैज्ञानिकों ने नाम दिया है कार्स्ट टेरेन। इसमें ज्यादातर मात्रा में लाइमस्टोन पाया जाता है, यानी चूना पत्थर, जिसमें ढेर सारे छेद होते हैं। अगर फ्लोरिडा के चूना पत्थर या यूनाइटेड स्टेट्स की दूसरी जगहों के या फिर दुनिया में कहीं भी चूना पत्थरों से मिट्टी अलग की जाए, तब उनमें ढेर सारे छेद नजर आएंगे और वो स्विस चीज की तरह दिखेंगे।
पर इस ठोस पत्थर में इतने सारे छेद कैसे बनते हैं? लाइमस्टोन या चूना पत्थर बनता है प्राचीन समुद्री जीवों के अवशेषों के कंप्रेस होने की वजह से, जिसमें कैल्शियम से भरपूर उनके शंख, सीप और कंकाल भी मौजूद हैं। चूना पत्थर में मौजूद ये कैल्शियम किसी भी तरह के एसिड के साथ आसानी से रिएक्ट कर जाता है, यहाँ तक कि भूमिगत पानी की एसिडिटी भी उसे एसिडिक होती है। यह एसिड बहुत ही वीक होता है, शायद संतरे के जूस से भी कम एसिडिक, लेकिन फिर भी बहुत लंबे धीरे धीरे बरसात उस पत्थर को गला सकती है। लाखों सालों तक बरसात के मौसम का पानी नीचे की छिपी हुई दुनिया तक पहुंचता है और बेडरॉक में रिसता जाता है। जैसे जैसे ये एसिडिक पानी चूना पत्थरों को खाता जाता है, वैसे वैसे सतह से नीचे गुफाएं बनती जाती हैं। डॉक्टर जॉन आर्थर दिखाते हैं कि कैसे एक बहुत ही हल्का एसिड, जो इंसान की चमड़ी तक को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो चूना पत्थर को गला सकता है। ये है वीक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब मैं इस लाइमस्टोन पर एसिड डालूंगा, तब एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होगा जो बेहद तेजी से घटेगा। आप रिएक्शन को देख पाएंगे, बुलबुले देख पाएंगे, लेकिन जो इस वक्त चंद सेकंड्स में हो रहा है, उसे कुदरती तरीके से होने में कई दशक लग जाते हैं। एसिड लाइमस्टोन को गला रहा है और ये घुला हुआ कैल्शियम ग्राउंड वाटर के साथ मिलकर धीरे धीरे चूने के पत्थर को खा रहा है। पहले खाली जगह बनती है और फिर सिंक होल। पत्थर के घुलने में एक बहुत बड़ा हाथ है वातावरण में नमी की मौजूदगी का। ज्यादातर इलाके जो ईस्ट की तरफ हैं, जहां साल भर में 76 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है, वहां इसका चांस ज्यादा होता है, खासकर अगर वहां लाइमस्टोन हो। सिर्फ फ्लोरिडा ही नहीं, चौंका देने वाली बात यह है कि हमारी धरती की करीब 20वीं सदी सतह इस तरह के बेडरॉक की बनी है, और उसमें से 40वीं सदी तो यूनाइटेड स्टेट्स में ही है। जैसे मिजोरी और पेंसिल्वेनिया, केंटकी, टेनेसी और लगभग सारा का सारा फ्लोरिडा इसमें शामिल है। फ्लोरिडा का डेविल्स डेन सिंकहोल गुफाओं के एक ऐसे सिस्टम की ओर निकलता है, जिसमें पानी चुपचाप लाइमस्टोन को खाते हुए कई रास्ते बनाता रहता है। ये सिंकहोल फ्लोरिडा के उस एक्वीफर सिस्टम में मौजूद कई गुफाओं का प्रवेश द्वार है, जिससे फ्लोरिडा की 92% आबादी को पीने का पानी मिलता है। एक्वीफर वो प्रणाली है जिसमें जमीन के नीचे बेडरॉक में पानी जमा रहता है। भले ही ज्यादातर लोग सिंक होल को खतरनाक मानते हैं, ये दरअसल धरती के कोनों कोनों तक पानी पहुंचाने का एक कुदरती डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। सिंक होल और गुफाएं जमीन के नीचे बहते हुए पानी के कुदरती रास्ते हैं। इन्हीं की वजह से जमीन पर गिरने वाली बारिश सतह के नीचे जाती है। इस अंडरग्राउंड वाटर को हम ऊपर खींच कर इस्तेमाल करते हैं और हम उस पर हर रोज निर्भर करते हैं। डेविल्स डेन के पानी के स्तर में से भी एक बड़ा सुराख सामने आता है, वो छुपा हुआ सहायक जिसकी वजह से कुछ सिंकहोल गिर जाते हैं। फसलों की सिंचाई के लिए जमीन के नीचे से हम बोरिंग करके पानी को पंप करते हैं। ऐसा करने पर पानी का लेवल गिर जाता है और ऊपर के पत्थर और मिट्टी जिस पानी के सहारे अपनी जगह पर बने हुए थे, वो अस्थिर हो देखने को मिलते हैं। फ्लोरिडा का सिंकहोल एली शायद अमेरिका का सबसे खतरनाक सिंकहोल इलाका है, लेकिन 2014 में अमेरिका के बीचों बीच धरती के नीचे छिपे इस दानव की चपेट में कुछ सबसे खूबसूरत शिकार आ गए। 12 फरवरी 2014 केंटकी स्टेट के बोलिंग ग्रीन शहर में स्थित द नेशनल कॉर्वेट म्यूजियम। मुझे नहीं लगता कि कॉर्वेट से जुड़ा या हमारी कम्युनिटी से जुड़ा ऐसा कोई भी होगा जो 12 फरवरी के दिन को भूल पाएगा। सुबह सुबह म्यूजियम की मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशंस मैनेजर को एक खबर मिलती है कि म्यूजियम में अलार्म बज रहा है। और फायर ब्रिगेड वाले पहुंच जाते हैं। म्यूजियम की स्काई डोम बिल्डिंग में 27 कारें हैं और उनमें से 8 कारें अंदर गिर गईं।
ये सिंक होल बहुत ही बड़ा था। फ्लोरिडा में जेफ बुश को निगलने वाले सिंक होल से दुगना बड़ा। ये 40 फुट चौड़ा था और इसके नीचे छिपी हुई थी एक हजारों साल पुरानी गुफा। म्यूजियम के फर्श से लेकर गुफा के तल तक की गहराई 90 फुट थी। बोलिंग ग्रीन में वैसे भी सिंक होल को लेकर लोग हमेशा डरे हुए रहते हैं। असल में क्या होता है ये कोई नहीं समझता, इसीलिए जब उन्हें पता चला कि एक सिंक होल में 8 कॉर्वेट कारें गिर गई हैं, उन्हें लगने लगा कि अब अगली बारी उनकी है। अमेरिका का केंटकी प्रदेश धरती के प्रधान सिंक होल क्षेत्रों में से एक है। यहाँ की करीब 50% सतह लाइमस्टोन के बने एक ऐसे बेडरॉक पर स्थिर है जो छेदों से भरा है, जिसे वैज्ञानिक कार्स्ट टेरेन कहते हैं। गुफाओं की छत गिरने और सिंकहोल बनने के लिए ये सबसे कारगर अवस्था है। केंटकी में 5000 से भी ज्यादा गुफाएं दर्ज की जा चुकी हैं। इस म्यूजियम को 1990 के दशक में बनाया गया था। उस वक्त सिंकहोल वाले इलाकों में निर्माण करने की पूरी समझ किसी में नहीं थी और ना ही उपयुक्त कायदे मौजूद थे। म्यूजियम की साइट एक पहाड़ी के ठीक ऊपर थी, इसीलिए बनाने वालों को ये जगह महफूज लगी। लेकिन कार्स्ट टेरेन वाले इलाकों में एक पहाड़ी भी उतनी ही आसानी से ढह सकती है जितनी कोई निचले भूमि वाला इलाका। सतह के नीचे कार्स्ट की बनावट को पानी आसानी से खा सकता है। जब पानी किसी पथरीली जगह से गुजरता रहता है तब वो धीरे धीरे पत्थरों को काट काट कर टीले और खाइयां बनाता जाता है। इन टीलों के नीचे अक्सर कुछ क्रैक्स बन जाते हैं जिनमें से पानी नीचे उतर कर मिट्टी में मिल जाता है और सिंक होल बन जाते हैं। और ये कॉर्वेट म्यूजियम का बस दुर्भाग्य ही था कि वो ठीक ऐसी जगह पर बना जिसके बारे में किसी को पता नहीं था कि वहां सिंक होल है। इससे पहले कि गड्ढे में से गाड़ियां निकाली जाए, वैज्ञानिक उसे करीब से देखना चाहते थे। हमें नीचे उतारा गया, हमने सेफ्टी रोप्स पहनी हुई थी ताकि सीधी चट्टान पर हम यहाँ वहाँ चलते हुए भी काम कर सके। गुफा की ही लंबाई 200 फुट से ज्यादा थी। जैसे ही हम अंदर गए हमें लगा कि ये तो बहुत ही पुरानी गुफा है, शायद ये यहाँ हजारों सालों से मौजूद है। अगर आप गड्ढे में देखें तो आपको सबसे पहले ऊपर ढेर सारी मिट्टी नजर आएगी, लेकिन उसके बाद बेड रॉक दिखना शुरू हो जाता है। किनारे के नीचे सतह की परतें सी खुल गई हैं और वहीं उत्तर की तरफ गुफा की छत ढह गई है जिससे एक बेल शेप्ड या एक बड़ी घंटी जैसी बनावट बन गई है, और इस तरफ भी वैसा ही हुआ है। लेकिन वो क्या वजह थी जिससे आखिर में ये प्राचीन गुफा के ऊपर की जमीन ढह गई? वैज्ञानिक मानते हैं कि पिछले हफ्ते हुई मूसलाधार बारिश ने इस तबाही की आग में चिंगारी लगाने का काम किया। बरसात की वजह से मिट्टी का बढ़ा हुआ वजन और बिल्डिंग का कंक्रीट का बना फर्श जिस पर ढेर सारी कॉर्वेट कारें सजी थीं, इन सब ने मिलकर गुफा की अस्थिर छत पर जरूरत से ज्यादा बोझ डाल दिया। यह हादसा म्यूजियम के लिए भले ही श्राप बनकर आया हो, पर असल में एक वरदान ही साबित हुआ। इसे दुनिया भर से लोकप्रियता मिली। हमें थोड़े वेबकैम्स और खरीदने पड़े ताकि लोग इसे अपने घरों से देख सके। फिर सिंक होल में से कारों को निकालने की एक मुहिम शुरू हुई। बाहर निकलने वाली पहली कॉर्वेट कार ने म्यूजियम के लोगों की उम्मीदें बढ़ा दी। सबसे पहले बारी थी 2009 ब्लू डेविल ZR1 की, और जैसे ही वो बाहर आई उसे देखकर लगा कि अरे वाह, ये तो बिल्कुल सही हालत में है इतने बड़े गड्ढे में गिरने के बावजूद। और उसे स्टार्ट किया गया तो वो स्टार्ट भी हो गई, और जब उसे कुछ फीट तक ड्राइव किया गया तो सब लोग बहुत खुश हो गए। लेकिन आखिरी कॉर्वेट कार हजारों किलो पत्थर और मलबे के नीचे दबी हुई थी। जो कार सबसे आखिर में बाहर आई उसकी हालत कुचले हुए एल्यूमिनियम फॉइल जैसी थी। अगर टायर नहीं लगा होता तो कोई बता नहीं पाता कि वो कभी एक कार थी। सभी कारें निकालने के बाद वैज्ञानिकों ने गुफा की गहराई का परीक्षण किया और ये सुनिश्चित किया कि खतरा पूरी तरह टल चुका है। सिंक होल और बड़ा नहीं होगा। म्यूजियम सिंक होल के बाद यहाँ पहले से 60% ज्यादा लोग आने लगे हैं। आजकल लोग परिवार के साथ आते हैं, सब उस सिंक होल को देखना चाहते हैं जिसे उन्होंने टीवी पर देखा है।
और जो लोग गुफाओं और सिंकहोल में दिलचस्पी रखते हैं, जो पहले कभी पाँव भी नहीं रखते थे, वो लोग भी आने लगे हैं। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस सिंकहोल से हमें मीडिया और ढेर सारे लोगों का इतना ज्यादा ध्यान मिलेगा। हालांकि ज्यादातर सिंकहोल लाइमस्टोन की बनी जगहों पर बनते हैं, और एक ऐसा भयानक तरीका है जिससे वो पूरे के पूरे मोहल्ले को निगल सकते हैं। प्राकृतिक सिंकहोल्स तब बनते हैं जब भूमिगत गुफाओं में उनके ऊपर की जमीन ढह जाती है, लेकिन धरती पर इंसान द्वारा बनाए गए निर्माणों की वजह से इस भयानक खेल का एक आर्टिफिशियल रूप सामने आता है। ग्वाटेमाला शहर 2010। एगथा नाम के एक बरसाती तूफान ने महज 12 घंटों में 100 mm से भी ज्यादा बारिश करके पूरे शहर को डुबो दिया। इस विपत्ति के बाद एक रिहायशी इलाके में एक विराट सिंकहोल ने एक चौराहे को चीर दिया। पीछे रह गया एक 65 फुट चौड़ा 100 फुट गहरा कुआं। कोई पूर्वानुमान नहीं, कोई चेतावनी नहीं, और फ्लोरिडा की तरह ग्वाटेमाला शहर चूना पत्थर पर भी नहीं बसा हुआ था, तो फिर अचानक ऐसा कैसे हो सकता था? तस्वीरों में आपको गड्ढे का तला नजर ही नहीं आएगा, इतना गहरा था वो। ग्वाटेमाला शहर बसा है प्राचीन ज्वालामुखियों की राख की परतों पर। तेज बारिश के बाद एक टूटी हुई स्विच पाइप की वजह से ढीली राख बहकर निकल गई और एक विशाल गड्ढा बन गया। ये शहर वॉल्केनो की राख पर बसा है, और ऐसी बहुत सी पुरानी स्टॉर्म वाटर पाइपें हैं जिनमें से पानी के साथ साथ राख भी बह जाती है। तो इस तरह ज्वालामुखियों की जियोलॉजी और इंसान द्वारा किए गए फेरबदल का तालमेल साफ नजर आता है। अमेरिका में बेहद पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भी मानव रचित सिंकहोल बनते हैं, जैसे 2014 में लॉस एंजलिस के मशहूर सनसेट बुलेवार्ड में बना था। सड़क के नीचे लगभग 100 साल पुरानी पानी की एक मेन पाइप के फटने से जो जबरदस्त बाढ़ आई, वो अपने रास्ते के मिट्टी पत्थर साथ बहा ले गई और पीछे एक 30 फुट चौड़ा सिंकहोल छोड़ गई। समझ लीजिए कि ये नाला इंसानों द्वारा बनाई गई एक गुफा है, और जब इसमें कोई क्रैक पड़ जाता है तब इसमें मिट्टी गिरने लगती है और फिर एक दिन बन जाता है एक सिंक होल। शहरों में ऐसा कभी कभी देखने को मिल जाता है, और चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर या बुनियादी ढांचे इतने पुराने हो चुके हैं, इसलिए ऐसा ज्यादा देखने को मिलने लगा है। पुराने बुनियादी ढांचे ही अकेला तरीका नहीं है। इंसान ने इस अंडरवाटर सिंक होल को कैसे अंजाम दिया होगा? इस बार किसी गुफा की छत नहीं टूटी, पर सतह से 1.5-2 किलोमीटर नीचे इंसान ऊपर के मिट्टी पत्थर खान में आ गिरे और नीचे का ग्राउंड वाटर ऊपर आ गया। पानी से भरा ये सिंकहोल पहले ही 325 फुट चौड़ा था, जो बढ़कर 25 एकड़ का हो चुका है, और उम्मीद है कि यह और भी बढ़ेगा। इस वीडियो को सिंकहोल बनने के एक साल बाद शूट किया गया था। तब तक वो इतना बड़ा हो चुका था कि 100 फुट ऊंचे पेड़ों को भी निगल गया। मानव रचित सिंकहोल्स का पूर्वानुमान लगाना मुमकिन नहीं है, लेकिन कुदरती सिंकहोल्स, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे जेफ बुश या केंटकी कॉर्बेट म्यूजियम के अधिकारियों को पता चल पाता कि वो एक खतरनाक जमीन के ऊपर रहते और काम करते हैं? सिंकहोल्स तब बनते हैं जब पानी पथरीले बेडरॉक को खाकर उसमें गुफाएं बनाता है। तो अगला वाला कहाँ होगा? ये शायद एक ऐसे वैज्ञानिक से पता चल सके जिनकी एक अपनी निजी गुफा है। मिसौरी की ओसार्क अंडरग्राउंड लेबोरेटरी सैकड़ों एकड़ जमीन पर फैली है, जिस पर कई सिंकहोल्स, प्राकृतिक झरने, अंडरग्राउंड नदियां, पानी के कुंड और गुफाओं का एक विशाल संकुल मौजूद है।
ये गुफा मेरी अपनी है और पिछले 45 साल से ये मेरे पास है। ये एक रिसर्च सेंटर है और हम एजुकेशनल फील्ड प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं। यहाँ हमने बहुत सी स्टडीज की हैं। मिसौरी का 60% हिस्सा कार्स्ट नामक बेडरॉक पर बसा है, जहाँ सिंकहोल्स की अधिकतर संभावनाएं हैं। भविष्य में सिंकहोल्स कब और कहाँ होंगे, ये समझने के लिए ये गुफा कुदरत की एक उत्तम लेबोरेटरी के तौर पर काम आ रही है। कई भावी सिंकहोल्स के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं होता, लेकिन एक ऐसी चीज है जिसकी मदद से धरती के नीचे छिपे रहस्यों को समझा जा सकता है। पानी। डाई ट्रेसिंग एक ऐसी वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें बहते हुए पानी में फ्लोरोसेंट डाई डाली जाती है, जो पानी के साथ अंडरग्राउंड झरनों और बेडरॉक की परतों में से गुजरती है। डाई ट्रेसिंग से नए सिंकहोल्स ढूंढने में काफी मदद मिलती है। डाई ट्रेसिंग से हमें ये पता चल जाता है कि कहां पर बड़ी बड़ी गुफाएं हैं, और कई बार ऐसे सिंकहोल मिलते हैं जो लगभग ऊपर तक खाली हो चुके हैं। इससे अगले सिंकहोल के बारे में कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। इससे ये भी पता चल सकता है कि एक ही जगह में सिंकहोल्स का एक समूह है और वो एक सीधी लाइन में है या फिर एक कर्व में है। पास ही के इस सिंकहोल से डाई ट्रेसिंग प्रक्रिया की शुरुआत की जा रही है। डाई ट्रेसिंग में जो सबसे खास बात हमें पता चलती है वो ये कि कोई सिंकहोल आगे किस में कनेक्ट होता है और पानी का झरना नीचे कहां जाता है। अब मैं इसमें थोड़ी सी फ्लोरोसीन डाई डालूंगा ताकि इस सिंकहोल और गुफाओं के सिस्टम के बीच के कनेक्शन का पता चल सके। ये डाई पानी ट्रेस करने के लिए बहुत बढ़िया है, आसानी से डिटेक्ट हो जाती है, इसलिए मैं ग्लव्स पहनता हूँ। पानी के सैंपल्स में इसकी डिटेक्शन लिमिट है 2 parts per billion, तो मैं ग्लव्स इसीलिए पहनता हूँ ताकि पानी के सैंपल्स को दूषित ना करूं। ये नॉन टॉक्सिक डाई बेहद सटीक निशान छोड़ती है, जिन्हें बाद में स्पेक्ट्रोस्कोप से जांचा जा सकता है। अब मैं इसे पानी में धीरे से छोड़ूंगा ताकि एक अच्छा मिक्स मिले, जो पहले नीचे सिंक होल में जाएगा और फिर गुफाओं के सिस्टम में। अलग अलग जगहों से पानी के सैंपल्स को इकट्ठा करके लैब में ले जाया जाता है डाई के निशान ढूंढने के लिए। हमारे पास एक पैकेट है जिसमें लकड़ी का कोयला है, इसमें 4.25 gram एक्टिवेटेड चारकोल है, और होता यह है कि चारकोल डाई को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे फिर हम लैब में एनालाइज करते हैं। इतनी छोटी छोटी बूंदों में भी हम फ्लोरोसीन के कुछ पार्ट्स पर बिलियन तो डिटेक्ट कर ही सकते हैं। पर्याप्त मात्रा में डेटा इकट्ठा हो जाने के बाद एक वाटर मैप पर भावी सिंकहोल्स के निशान मिल सकते हैं, वो भी ऐसी गुफाओं से जिनमें जाना असंभव है। डाई ट्रेसिंग से कभी कभी ये पता चल सकता है कि नए सिंकहोल कहाँ बन सकते हैं, क्योंकि ये बताता है कि पानी का रास्ता किस तरफ जाता है। डाई ट्रेसिंग से फैक्ट्रियों, हाईवे और रेल लाइनों के आसपास के ग्राउंड वाटर का परीक्षण किया जाता है, और इससे उन सिंकहोल्स के बारे में पता चला है जिनके बारे में किसी को पता नहीं था और जो बड़ी दुर्घटनाओं का कारण बन सकते थे। आज डाई ट्रेसिंग का इस्तेमाल हो रहा है बोलिंग ग्रीन केंटकी के कॉर्विट म्यूजियम में, ताकि पानी के फ्लो को मैप किया जा सके और भावी सिंक होल्स का पता चल सके। फ्लोरिडा में चल रहे डाई ट्रेसिंग अभियानों के साथ लेजर स्कैनिंग भी हो रही है, जिससे अधिकारियों को और भी विस्तार में धरती के नीचे पानी के बहाव और भावी सिंक होल्स का पता चलता है। ठीक वैसे जैसे किसी नक्शे पर भूकंपग्रस्त इलाकों के निशान लगाए जाते हैं, ये नक्शे फ्लोरिडा के रिहायशों को उनके पैरों तले मौजूद खतरों के बारे में बताते हैं। जहां एक तरफ वैज्ञानिक इस रहस्य को समझने में लगे हैं कि अगला सिंकहोल कब और कहां बनेगा, वहीं दूसरी तरफ इससे होने वाली तबाही आए दिन सुर्खियां बनती हैं। क्या सिंकहोल पहले से ज्यादा मात्रा में बन रहे हैं, और क्या इंसान ही इसका असली जिम्मेदार है? धरती पर सिंकहोल्स का बनना कोई नई बात नहीं है। प्राचीन इतिहास में
मानव जाति के मन में इसके लिए एक विशेष आदर था। दुनिया भर की कई सभ्यताएं कार्स्ट टेरेन के आसपास बसी थीं, जैसे सेंट्रल अमेरिका की माया सभ्यता, क्योंकि यहाँ पानी मिलता है, ढेर सारा पानी, और ये इलाके खूबसूरत भी होते हैं। साथ ही लाइमस्टोन की वजह से यहाँ फसल भी अच्छी होती है। सिनोटेस कहलाए जाने वाले सेंट्रल अमेरिका के पानी से भरे सिंकहोल्स को माया सभ्यता के लोग पूजनीय मानते हैं। इन्हें ईश्वर का द्वार माना जाता था। इनमें चढ़ावे चढ़ाए जाते थे, यहाँ तक कि इंसान की बलि भी दी जाती थी। आधुनिक मानव इन सिंकहोल ग्रस्त इलाकों में उन्हीं वजहों से बस रहे हैं, भरपूर पानी और उपजाऊ मिट्टी। पर आज फ्लोरिडा की सिंकहोल एली की दांत में छिपा है कि इंसान ने बरसात के पानी का प्राकृतिक बहाव बदल दिया है। हम सतह पर कुछ न कुछ बनाते ही जा रहे हैं। इससे बरसात का पानी जो पहले मिट्टी में जाता था, जमीन के नीचे जाता था, वो अब मिट्टी में नहीं जा रहा, जमीन के नीचे भी नहीं जा रहा, बल्कि गड्ढों और नालों में जमा होकर रह जाता है। इससे अंडरग्राउंड वाटर का सारा सिस्टम ही बिगड़ रहा है। नीचे जब पानी रास्ता बदलता है, तब कार्स्ट टेरेन वाले अनछुए इलाकों के पत्थर पानी में घुल जाते हैं और सिंकहोल की रचना होती है। इस पर इंसानों की आबादी बढ़ रही है। पीने का पानी और फसलों की सिंचाई के लिए नीचे एक्वाफर्स में से ढेर सारा पानी निकाला जाता है, जिससे समस्या और गंभीर हो गई है। हम बोरिंग द्वारा एक्वीफर सिस्टम से जरूरत से ज्यादा पानी निकाल रहे हैं। वाटर टेबल गिरता जा रहा है और ऐसी जगहों पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जो सिंक होल ग्रस्त है, इसलिए विकासशील देशों में ज्यादा सिंक होल बन रहे हैं। सेंट्रल फ्लोरिडा के जिस रिसोर्ट को एक सिंक होल ने निगल लिया था, वहाँ से 40 किलोमीटर दूर एक रिहायशी इलाके में सिंक होल से बचने के लिए पूरे जोरों से काम चल रहा है। लेकिन ये एक बिल्कुल अलग तरह का सिंकहोल है। घरों और गाड़ियों को अचानक निगलने वाले विनाशकारी सिंकहोल्स को कवर कोलैप्स सिंकहोल्स कहते हैं, क्योंकि इनमें भूमि के नीचे किसी खाली जगह का कवर कोलैप्स कर जाता है, यानी टूट कर गिर जाता है। पर एक अलग तरह का सिंकहोल भी है जो बहुत चालबाजी से हमला करता है। एक और सिंकहोल होता है, कवर सब्सिडेंस सिंकहोल, जो बहुत ही धीरे धीरे बनता है। ये बोल या प्याले जैसा दिखता है और इसे बनने में सैकड़ों या हजारों साल लगते हैं। इसमें खाली जगह के ऊपर की जमीन बैठ जाती है। कवर सब्सिडेंस सिंकहोल्स उन क्षेत्रों में बनते हैं जहां की मिट्टी बारीक रेत जैसी हो। बेडरॉक में किसी क्रैक के जरिए ये बारीक मिट्टी नीचे की खाली गुफाओं में जाती है। रेत घड़ी की तरह ऊपर की जमीन पर धीरे धीरे क्रेटर जैसा गड्ढा सा बन जाता है। कवर सब्सिडेंस सिंक होल्स इतने धीरे बनते हैं कि आमतौर पर चेतावनी सी देते हैं, जैसे दीवार या फुटपाथ पर क्रैक्स नजर आना या कभी खिड़की खोलना या बंद करना मुश्किल हो जाना। कवर सब्सिडेंस सिंक होल्स एक बहुत बड़े क्षेत्र को खतरे में डाल सकता है, जैसे सेंट्रल फ्लोरिडा का ये रिहायशी इलाका। आज यहाँ एक टीम आई है जो सतह के नीचे की मिट्टी को स्थायी बनाकर नुकसान को और बढ़ने से रोकने की कोशिश करेगी। बेडरॉक ढूंढने के लिए एक जियोलॉजिकल सर्वे करने के बाद जमीन के नीचे ग्राउट को पंप किया जाता है। ग्राउट एक मुलायम भूरे सीमेंट का खास फॉर्मूला है। समझने वाली बात यह है कि ग्राउट कंक्रीट नहीं है, ये नीचे जाकर पत्थर की तरह ठोस नहीं होगा। हाँ, ये नीचे की मिट्टी को थोड़ा सख्त जरूर कर देगा, उसे बहने से रोकेगा, लेकिन उसकी मजबूती ज्यादा नहीं होगी, कंक्रीट के इस फुटपाथ जितनी नहीं। सिंक होल के साइज के मुताबिक उसे ठीक करने के लिए 100 सीमेंट मिक्सर्स तक भर के ग्राउट को पंप करना पड़ सकता है। आपस में जुड़ी 5-5 फुट की पाइपों के सेक्शन को जमीन में कुछ दूरी पर ड्रिल किया जाता है। वहां पर हम लोग जमीन के नीचे ग्राउट डालने का काम कर रहे हैं। ये ग्राउट इस फ्लेक्सिबल पाइप से आ रहा है जो एक तरफ पीछे ट्रक में लगे मिक्सर से जुड़ी है
और दूसरी तरफ यहाँ ग्राउट पॉइंट के ऊपर। इसके बाद ग्राउट को 3 इंच चौड़ी पाइपों से ढांचे के नीचे पंप किया जाता है, जहां पर वो मिट्टी के साथ जमकर उसे और बैठने से रोक दे। ये देखिए, ग्राउट ऐसा होता है, थोड़ा बहुत कंक्रीट जैसा ही है, लेकिन इसमें पत्थर नहीं है। इसमें मिला है पोर्टलैंड सीमेंट, फ्लाई ऐश और रेत। ये आसानी से बह सकता है। पाइप्स पर जब उल्टा प्रेशर महसूस होता है, उसका मतलब एक खाली हिस्सा भरा जा चुका है। तब पाइप को छोटा कर दिया जाता है और इस तरह ग्राउट ऊपर तक भरा जाता है। हमने ग्राउट भरने के जितने काम करके सर्टिफाई किए, 99% मामलों में हम पहली बार में ही सिंक होल की समस्या को सुलझाने में कामयाब हुए। एक बार सिंक होल की समस्या सुलझ जाती है तो ये घर दोबारा रहने लायक हो जाते हैं। ग्राउट में मिली हुई मिट्टी हमेशा होल ना खुल जाए। फ्लोरिडा जैसी जगहों का भविष्य क्या है? जवाब शायद इस प्राचीन जगह से मिल सकता है। यह है पृथ्वी का सबसे गहरा सिंकहोल। कार्स्ट टेरेन, लाइमस्टोन का वो बेडरॉक जो छेदों से भरा है। इंसान ने इस पर अपने घर बसाकर जोखिम मोल लिया है। फ्लोरिडा जैसी जगह जहां आए दिन सड़कें और मकान सिंकहोल्स में धस जाते हैं, भविष्य में उसका क्या हश्र होगा? इसकी एक झलक मिल सकती है दक्षिण चीन से, जहां कार्स्ट टेरेन की एक अति प्राचीन बनावट मौजूद है। ये यांगत्ज़ी और पर्ल नदियों का एक विशाल ड्रेनेज बेसिन है। दिखने में भले ही ये अलग थलग पहाड़ों की वादियां लग रही, ये पहाड़ सिंक होल्स की वजह से ही बने हैं। जब यहाँ पर सब कुछ ढह कर बह गया तो सिर्फ पहाड़ रह गए, बाकी सब कुछ घुल गया। इन पहाड़ों की चोटियां तेज हैं, जिन्हें ये टावर्स कहते हैं, और नीचे बड़ी फ्लैट जगहें हैं, जो शायद सभी प्राचीन गुफाओं या सिंक होल्स का नीचे का फर्श है। ये गुफाएं और सिंक होल शायद आइस एज से भी पहले के हैं, या ऐसे ही किसी समय के जब मौसम में अचानक बहुत तेज बदलाव आया होगा और ढेर सारी बरसात हुई होगी। तब काफी बर्फ भी पिघली होगी, जिससे बाढ़ आई होगी और यहाँ का सारा लाइमस्टोन उसमें घुलकर बह गया होगा। पानी से उठती हुई ये पहाड़ियाँ टावर कार्स्ट कहलाई जाती हैं। ये करोड़ों साल पहले बनी थी, जब प्राचीन समुद्र का जल स्तर गिरा और धरती की टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराई, तो पीछे रह गई चूना पत्थर की एक परत जो हजारों फुट मोटी थी। अगर आप चीन की कुछ पुरानी लैंडस्केप पेंटिंग्स देखेंगे तो हो सकता है कि आपको लगे कि वो कोई काल्पनिक दुनिया है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ के कुछ कार्स्ट इलाके वाकई में ऐसे ही दिखते हैं। जमीन को यह शक्ल कैसे मिली, इसका सबसे बड़ा सबूत यही है, धरती का सबसे गहरा सिंकहोल। ये फ्लोरिडा के उस सिंकहोल से 65 गुना चौड़ा है जिसने जेफ बुश को निगल लिया था। मैं जिस सबसे बड़े सिंकहोल के बारे में जानता हूँ, वो है चाइना का हेवनली पिट। वो लगभग 2000 फुट चौड़ा है और 1000 फुट से भी ज्यादा गहरा। चीन में हेवनली पिट को टियांगकुंग कहा जाता है और इसकी खोज 20वीं सदी के अंत में ही हुई थी। आज दुनिया के किसी भी 100 मीटर से ज्यादा चौड़े सिंकहोल को टियांगकुंग कहा जाने लगा है। बहुत लंबे समय बाद सिंकहोल ग्रस्त क्षेत्र कैसा दिखता है, यह चीन के टावर कार्स्ट को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। सुदूर भविष्य में केंटकी और फ्लोरिडा भी इसी तरह टूटते और खटते रहेंगे। जिस पहाड़ी पर कॉर्बेट म्यूजियम खड़ा है, वो एक दिन एक ऐसी वादी बन जाएगी जहां उस जैसे कई ढहे हुए सिंक होल्स नजर आएंगे। सारी धरती पर सिंक होल्स कई युगों से कुदरत की बनावट का हिस्सा रहे हैं। गुफाओं की प्रणाली के साथ मिलकर
पृथ्वी के कोने कोने तक ये पानी को पहुंचाने में सहायक रहे हैं। लेकिन जब ये दानव अपना मुंह खोलते हैं तब उन परिवारों को कोई राहत नहीं मिलती जिनकी जिंदगियां तितर बितर हो जाती हैं। वहां फ्लोरिडा में जेफ बुश के पड़ोसी इसी डर में जी रहे हैं कि ना जाने ऐसा दोबारा कब हो जाए। वो यहां से निकलना चाहें तो भी नहीं निकल सकते। मैं पिछले 29 सालों से यहां रहता हूं और उस हादसे के बाद मैं चाहूं तो भी इस घर को बेच नहीं सकता। अब इसके लिए पैसे कौन देगा? दुनिया का काफी हिस्सा कार्स्ट टेरेन पर बना है। इसमें कोई शक नहीं कि इस तरह की घटनाएं इंसान के लिए भय का कारण बनती रहेंगी। और जिस तरह लोग सतह के नीचे एक्वाफर्स को खाली कर रहे हैं,